नमस्कार साथियों, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक ऐसी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स जिसमें अपन देखेंगे कि 99, 9999, 999 या किसी भी संख्या का एक अंक की संख्या के साथ अगर गुणा किया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, इस टाइप से संख्या होगी तो उसका आंसर क्या मिल जाएगा उसके बारे में, या फिर दो अंकों की, तीन अंकों की या चार अंकों की संख्या जिसका 9999 या 999, 999, 9999 इनके साथ गुणा करेंगे तो उंगलियों पे उसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम एक वीडियो लेके आए हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास ये ट्रिक पहुँच सके। चलिए चलते इस टाइप के नंबर के ऊपर। मैं इस वाली संख्याओं को एक बार रब कर दे रहा हूँ कि किस टाइप से जो अपन ने प्रश्न लिखे हैं उसके हिसाब से किस टाइप से नंबर्स बनेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। कोई नंबर है मेरे पास 8, उसको मैं 9 से 99 से 999, 9999 और 99999 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आंसर क्या मिलेगा मेरे को, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो 8 का 9 से करेंगे तो ये बात याद रखनी है कि कितना आता है, 8 9 72। क्या आता है? 8 9 72। अगर यहाँ पे एक 9 को छोड़ दें अपन, अब 99 आ गया, क्या गया, एक 9 को छोड़ दिया अपन ने जिसका 8 9 72 था, तो बाकी जिस 9 को मैंने गोला बनाया है उस 9 को मैं बीच में लिख देता हूँ और 72 ऐसे कैसे लिख देता हूँ। ठीक है, और चलिए और आगे देखते हैं अपन। तो अपने को एक 9 को तो रखना है, बाकी 9 को गोला बना देता है, जिसको गोला बनाएंगे उनको अपन बीच में रख देंगे। तो जिनको गोला बनाया, कितने 9 को गोला बनाया, 2 9 को गोला बनाया, तो दोनों के दोनों 9 ऐसे वापस कॉपी कर दिए और इस 8 का 9 से फिर से 72, ये इस टाइप से फिर वापस। अब कितने 9 है इसमें, 4 9 है, तो 3 9 को बीच में ले लेते हैं अपन। ये 3 9 को फिर से मैंने बीच में ले लिया, 1 2 और 3 9, फिर ये 7 और ये 2, फिर वापस यहाँ पे 7 और ये 2। ठीक है, और 9 कितने थे बीच में, बीच में जितने 9 है उनको वापस कॉपी कर लेते हैं, तो 4 बार बीच में 9 थे, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखा अपन ने किस टाइप से ऐसे कैसे अगर आगे भी करते जाएंगे तो ऐसे कैसे आंसर आता जाएगा। पर ये क्या 8 के साथ ही होता है या किसी और संख्या के बाद भी होता है उसके बारे में चेक करते हैं। आप इनका कैलकुलेशन करके देख लीजिए, यही आंसर आपको मिलेगा। देखते हैं, देखें आगे अपन थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं कि केवल 8 के साथ ही होता है या सभी के साथ होता है। तो ये सभी के साथ होगा, देख लें, इनको सबको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं अपन। जैसे मैंने कहना मतलब किसी संख्या 2 का गुणा किया 9 से, 9 से, ठीक है, फिर 3 का गुणा किया 99 से, फिर 4 का गुणा किया 999 से, फिर 5 का गुणा किया 9999 से, फिर 6 का गुणा किया 99999 से, फिर 7 का गुणा किया 999999 से। ठीक है, ये 99999 थे, ये 9999 थे, इस टाइप से, और आगे भी ऐसे कर सकते हैं। तो चलो चेक कर लेते हैं। पहले सबसे पहले अपन ने जो बातचीत की थी कि पहले 9 को, जो इकाई वाला 9 है उसके, उसको अपन सबसे स्पेशल रखेंगे। ये 9 को स्पेशल रख दिया, ये सारे के सारे 9 जिनको मैंने लाइन किया है, लाइन अप किया है, वो अपने लिए स्पेशल है। मल्टीप्लाई केवल उन्हीं का करेंगे अपन। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 9 का 2 से 18, इसके बाद और कोई 9 है नहीं तो ऐसे कैसे ही छूट जाएगा। अब इस 3 का 9 के साथ किया 27, बीच में कितने 9 है, एक ही 9 है, बचा हुआ 9 कितना है, 1 9 है, तो इस 1 9 को फिर से मैंने कॉपी कर दिया। ये 2 9 है तो 2 9 को कॉपी करूंगा, फिर 3 9, फिर 4 9 और फिर 5 9, इन सबको बीच में ऐसे वैसे ही कॉपी करेंगे। देख लेते हैं, देखें 4 9 36, बीच में कितने 9 को गोला बनाया मैंने, 2 को, देखिए 2 ऐसे कैसे फिर से रख देते हैं। 5 9 45, बीच में कितने 9 है, 3 9 है, तो 1 2 और 3। चलो 6 का 9 से 54, बीच में 9 की जगह रखना, कितने 9 है, 4 9 कॉपी करना है, 1 2 3 4। ठीक है, 7 9 63, ये 63, 5 9 को कॉपी करना, 1 2 3 4 5। चलो ये तो हो गई एक अंक की संख्या, क्या है ये, तो एक अंक की संख्या को 9 से 99 से 999, 9999 से इनसे अपन ने गुणा किया। अब क्या अगर दो अंकों की संख्या होगी या दहाई तक की संख्या होगी या सैकड़ा की संख्या होगी या हजार तक की संख्या होगी तो उनमें भी ऐसा होगा, उनमें ऐसा नहीं होगा, उनमें कुछ और होगा। अब ये कुछ और क्या होगा उसके बारे में अपन आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे वाले को देखने के लिए जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे से आगे ये बच्चों के पास पहुंच जाए। अब देखिए, जैसे मैंने प्रश्न लिया फिर से 99, ठीक है, 99 का इस बार मैंने कर दिया 45 के साथ,
ठीक है। और आगे देखो 99 का मैं फिर कर देता हूँ 78 के साथ। इन दो प्रश्नों को पहले आराम से देख लेते हैं। इन दो प्रश्नों को आराम से देखने के लिए अपन सबसे पहले चलते हैं 99 को 45 के साथ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक माइनस करूँगा, ठीक है। जो माइनस करने के बाद जो नंबर आया उस नंबर को मैंने नीचे लिख दिया। माइनस करने के बाद क्या आ गया अपने पास, 44 आ गए। 99 में से जो नीचे नंबर लिखा है उसको मैं माइनस फिर से कर देता हूँ, ठीक है। पहले एक को माइनस किया, फिर उस नंबर को ही माइनस कर दिया मैंने, जो आया उसको माइनस कर दिया। तो देखो क्या आया, 9 का 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, कितना आ गया 55 आ गया, कितना आया 55 आ गया। तो यहाँ पे जो आया उसको लिख दीजिए, ये इसका आंसर है, जो आया वो लिख दिया अपन ने 44 55। अब बातचीत करते हैं इस 78 99 का 78 से। तो एक माइनस किया, इसमें क्या किया, एक माइनस किया, एक माइनस करते ही क्या आया अपने पास, 77 आया, ठीक है। 99 में से ये जो आगे की संख्या है उसमें से इस 77 को माइनस करें तो अपने पास आ गया 22, क्या आया 22 आ गया, माइनस कर दी। तो ये 22 को भी मैं इसके पीछे कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है, हो गया अपना सॉल्यूशन यहाँ तक। चलिए ये इसके आंसर है, आप कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिए, यही आंसर आपको मिलेंगे। चलिए फिर और बड़ी संख्या लेते हैं, और बड़ी संख्या में क्या ऐसा होगा, तो हाँ जरूर होगा, क्यों नहीं होगा, देख लेते हैं अपन। नंबर लेते हैं 999 इंटू 569, ठीक है 569। तो इस 569 में से एक कम किया सबसे पहले, तो क्या आया अपने पास 568। इस 568 को मैंने माइनस किया, जो आगे संख्या थी, आगे संख्या क्या है अपने पास 999 है, तो इस 999 में से मैंने 568 को माइनस किया, 568 को माइनस किया, तो आंसर आया अपने पास 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 431। ये 431 मैंने जो यहाँ पे आया मेरे पास उसको यहाँ पे कॉपी कर दिया, ठीक है हो गया। चलिए फिर से एक और प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न देखते हैं यहाँ से, और प्रश्न है 999 इंटू 734। ये प्रश्न लिया तो सबसे पहले क्या किया मैंने, एक माइनस किया इससे 734 में से, तो ये आया 733, इसको ब्लैक पेन से क्या आया 733। जो ये 733 आया उसको आगे वाली संख्या से माइनस कर देते हैं, 733 को माइनस किया मैंने इससे 999 से, 999 से माइनस कर दिया, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 266। इस 266 को इसके पीछे कॉपी कर दिया, जो यहाँ पे आया इसी को कॉपी किया, और यही अपना आंसर है। चलिए और बड़ी संख्या भी आ सकती है, तो क्यों नहीं आ सकती उसके बारे में, अगर अच्छा ये तो दो संख्या और दो संख्या थी, तीन संख्या और तीन संख्या थी, तीन अंक वाली थी, और दो अंक और दो अंक वाली थी। संख्या अंकों को चेंज कर दे तो उसके बाद क्या होता है, तो देखिए उनको भी चेंज कर देते हैं। 999 इंटू 28, यहाँ पे तीन अंक वाली 9 है और यहाँ दो अंकों वाले हैं, और देखो 999 इंटू यहाँ पे बात करते हैं 76, ये मैंने कर दिया। चलो इसमें से क्या करना था, सबसे पहले अपन को एक माइनस करना था, तो ये एक माइनस किया मैंने, एक माइनस करके यहाँ कॉपी किया, तो ये कितना आया 27 आ गया। अब आगे वाली संख्या जो 999 है उसमें से इस 27 को माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, इस 27 को माइनस करेंगे, कर लेते हैं। 9 में से 7 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और ये 9 ऐसे कैसा, तो 972 आया अपने पास, ये ऐसे कैसा अपन ने कॉपी कर दिया, और ये अपना आंसर है, सारी की सारा अंक जो है ये अपना आंसर है। इसी टाइप से इस वाले के लिए बात करें अपन, इसमें से एक माइनस किया, ये कर लिया एक माइनस, 76 में से एक माइनस किया तो 75 आ गया अपने पास, 75 आ गया। इस 75 को आगे वाली जो संख्या है 9999 वो कर लेते हैं अपन, ये 75 को माइनस कर दिया, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, और 9 और ये 9, ठीक है, जो आया उसको फिर से कॉपी कर देते हैं 9924 हो गया। तो हाँ यही आंसर है, आप चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से। चलिए एक प्रश्न और करते हैं अपन, ये तो हुआ, और इससे और थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं, ठीक है, चार अंक और चार अंक वाली संख्या वाली, दोनों ही साइड में चार चार अंकों वाली संख्या देख लेते हैं, क्या उसमें भी ऐसा हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा। 3 चार अंक ले लिए, और यहाँ पे ये एक संख्या और ले ली। चलो यहाँ से क्या किया मैंने, इस वाले संख्या से 7543 से एक माइनस किया, तो ये आया मेरे पास 7542। इस 7542 को 9999 से माइनस किया, 9900
99, इसमें से 7542 को माइनस कर लिया, करते हैं 9 में से 2 हो गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2। ये जो नंबर आया इसी नंबर को यहाँ पे कॉपी कर देंगे अपन 2, 4, 5, 7 और यही अपना सॉल्यूशन है। इस टाइप से ज़्यादा आंसर अपन कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी आंसर अपन कर सकते हैं। कोई भी संख्या 9999 से किसी भी संख्या का गुणा भाग या कुछ भी करना हो तो अपन कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को जल्दी से जल्दी आगे से आगे पहुंचाते जाइए बच्चों के पास, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।